केआर के नाम से मशहूर एक्टर प्रोड्यूसर कमाल राशिद खान को मुंबई में 2020 में एक कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट के चलते अरेस्ट कर लिया गया है एंड ही वॉज अरेस्टेड एज सून एज ही लैंडेड एट द एयरपोर्ट। मुंबई पुलिस के मुताबिक उन्हें आज बोरावली कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। बता दें कि क्रिटिक और अभिनेता के खिलाफ मलाड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। एक्चुअली ही हैड मेड सम कॉन्ट्रोवर्शियल एंड ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट फॉर बॉलीवुड वेटरन्स इरफान खान एंड ऋषि कपूर। मैं सीरियस होकर ये बात करना चाहता हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि कोरोना तब तक नहीं जाएगा जब तक कुछ फेमस लोगों को अपने साथ नहीं ले जाता। उनके इस ट्वीट के बाद कमाल पर 2020 में युवा सेना की कोर कमेटी ने मलाड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। कमेटी के मेंबर राहुल कनल का आरोप था कि कमाल ने दिवंगत एक्टर इरफान खान और ऋषि कपूर को लेकर ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट किए थे। इस मामले में पुलिस ने कमाल के खिलाफ सेक्शन 294 के तहत मामला भी दर्ज किया था एंड दिस इज़ नॉट हिज फर्स्ट टाइम। इससे पहले भी इनके ऊपर डेफामेशन का केस किया जा चुका है। बॉलीवुड के दबंग खान ने इनके ऊपर केस दर्ज किया था। केआरके ने सलमान खान की मूवी राधे का नेगेटिव रिव्यू किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, ही हैड ऑल्सो मेड विलीफाइड कमेंट्स ओवर सलमान खान, जिसके बाद दबंग खान ने इनके ऊपर मामला दर्ज कराया था। ये अक्सर अपने ट्वीट्स के जरिए सुर्खियां बटोरते ही रहते हैं। पिछले दिनों केआरके उस वक्त खूब चर्चा में रहे जब उन्होंने एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को उनके पति विराट कोहली के लिए डिप्रेशन का जिम्मेदार बताया था। एक्चुअली विराट हैड एक्सेप्टेड इन मीडिया डेट ही हैड बीन गोइंग थ्रू डिप्रेशन रिसेंटली और इस पर केआरके ने ट्वीट में लिखा था कि विराट को एक एक्ट्रेस से शादी करने के बाद डिप्रेशन की समस्या मिली है। हालांकि जब इस ट्वीट के लिए उनकी आलोचना की गई तो उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार तक को नहीं छोड़ा, उनको भी खूब बुरा भला कह चुके हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग न्यूज़ इंडिया 24/7। थैंक यू।